नमस्कार प्रणाम, आप सभी का स्वागत है। और आज के सेशंस हमारा है 2023 के लिए गेस्ट क्वेश्चंस। और आपको भी पता होगा कि साबुन और अपमार्जक में जो अंतर का क्वेश्चंस आता है वो लगातार पूछा जा रहा है और हर बार पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने चाहा कि इस क्वेश्चंस को अपने इस सीरीज में ऐड जरूर करना चाहिए। और मुझे उम्मीदें हैं कि आप इसे पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि साबुन और अपमार्जक में अंतर जो होता है वो साइंस के लिए बहुत ज़्यादा टॉप और टफ क्वेश्चंस होता है। तो जी हाँ, आइए, चार क्वेश्चंस, चार अंतर हमारे साथ है और इसे समझने का हम लोग कोशिश करते हैं कि अपमार्जक में और साबुन में क्या अंतर है। तो साबुन और अपमार्जक में विभिन्न अंतर इस प्रकार है, मैंने पहले लिख दिया। अब पहला, अब में हमने क्या लिखा कि अपमार्जक तेल रहित होता है, जिससे इसमें सफाई का गुण साबुन की तुलना में अधिक होता है। अपमार्जक जो होता है वो तेल रहित होता है, जिससे साबुन में, जिससे इसमें सफाई का गुण साबुन की तुलना में अधिक होता है। अब इसको दूसरे पेज से भी हम लिख सकते हैं, इस अंतर को एक तरफ लिख सकते हैं और अगली पेज के अगले अंतर को लिख सकते हैं कि साबुन जो होता है वो तेल रहित नहीं होता है और अपमार्जक तेल रहित होता है, जिससे सफाई का गुण साबुन की तुलना में अधिक होता है। अर्थात अपमार्जक जो होता है एक डस्ट के टाइप का होता है, जैसे आपने सर्फ देखा होगा, वो अधिक से अधिक क्या करता है, मैल को निकालने का कार्य करता है, वो तेल रहित होता है। लेकिन साबुन में कोई तेल रहित नहीं होता है, वो दाने दाने टाइप का होता है। इसलिए यहां पर लिखा गया है कि साबुन द्वारा कठोर जल में धुलाई का कार्य करने में कठिनाई होती है। अब जैसे देखेंगे कि जो चीज ज्यादा गंदा है, जो चीज ज्यादा कठोर एकदम गंदा है, उस चीज में साबुन से साफ करना एक बहुत बड़ा टफ कार्य हो जा, लेकिन वही दाना दाना टाइप का सर्फ अपमार्जक जो होता है उसके हर एक पार्ट में जाकर के उसके जो डस्ट होते हैं उसको निकालने का कार्य करता है। तो इसी कहा गया कि साबुन द्वारा कठोर जल में धुलाई का कार्य करने में कठिनाई होती है, जबकि अपमार्जक द्वारा कठोर जल में भी धुलाई का कार्य किया जा सकता है। तो इसी कठोर जल के जो बहुत ज्यादा, जो आपने प्रचार देखा होगा रिन वाला, उसमें भी आपने देखा होगा जो इस बारे में सब चीज में जो गंदगी एकदम कठोर जल लग जाता है, उस चीज को निकालने के लिए अपमार्जक की जरूरत पड़ती है, साबुन वहां कार्य नहीं कर सकता। और अगर दूसरी चीज देख सकते हैं यहां क्या, और अपमार्जक का उपयोग आपने कभी कभी यहां देखा होगा, जैसे नदी में डालने के लिए होता है, जहाँ नदी गंदे हो जाते हैं, बहुत सारा कचरा रहता है वहाँ, उस सब पर भी अपमार्जक का छिड़काव किया जाता है। आइए, अपमार्जक में साबुन से ज़्यादा आर्द्रता गुण पाया जाता है, जिस कारण अपमार्जक साबुन से अच्छा गुण है, जिस कारण अपमार्जक साबुन से अच्छा है, यानी साबुन में जो है अपमार्जक में साबुन से ज्यादा आर्द्रता गुण पाया जाता है। अपमार्जक में प्लस आर्द्रता पाया जाता है, लेकिन साबुन में उससे कम आर्द्रता पाया जाता है। साबुन दुर्बल अम्ल और प्रबल छाल लवण है, जबकि अपमार्जक प्रबल अम्ल और प्रबल छार के लवण है। ये कुछ खास अंतर हमारे साथ है। पहली बात तो तेल रहित अपमार्जक होता है, साबुन तेल रहित नहीं होता है। साबुन जो होता है कठोर जल में धूल निकालने का कार्य आसानी से नहीं कर सकता, जबकि अपमार्जक इसी कार्यों को बहुत आसानी से कर सकता है और इसी कार्य के लिए अपमार्जक का प्रयोग किया जाता है। अगली बात है, अपमार्जक में साबुन से ज्यादा आर्द्रता गुण पाया जाता है, इस कारण से एक अच्छा गुण भी माना जा सकता है। साबुन दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार लवण है, जबकि अपमार्जक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार कहा जाता है। तो दोस्तों, हमारे साथ ये चार अंतर है। पहला आप रखेंगे तेल रहित, तो दूसरा याद रखेंगे कौन सा अच्छा है, कौन गड़बड़ है, किस कारण से है, तो क्योंकि कठोर जल में वो अच्छा कार्य कर लेता है। अपमार्जक में साबुन से ज्यादा आर्द्रता गुण पाया जाता है। तो दोस्तों, हमारे सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं फिर नई वीडियोज के साथ, नई सीरीजों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। थैंक यू वेरी मच।